हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और मुद्रा एवं साख, जो हमारा आपका चैप्टर है, हम उसके प्रश्न उत्तरों को कर रहे हैं। आज इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग अंतिम रूप देंगे, फिर हम लोग कल आपका नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए तो हम देखते हैं चैप्टर को, और इसमें हम लोग जो है आपकी बात करने वाले हैं, किसी विशेष प्रश्न पर गौर करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण। क्या है? विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण, यह हमको देखना है। ठीक, आइए बात करते हैं इसका। उत्तर पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। देखिए, क्रेडिट देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? भूमिका निभाता है। विकासशील उद्योगों और व्यापार को ऋण स्वीकृत करके बैंक उन्हें उधार के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इनमें उत्पादन रोजगार मुनाफे में वृद्धि होती है। हालांकि उच्च जोखिम वाले मामले, उच्च वाले मामले में सावधानी
बरतनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो ऋणों से इसे, या कह सकते हैं इस लाभ को भी जोड़ तोड़ कर एक प्रशासनिक दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों में उच्च ब्याज दरें शामिल हैं जो अधिक हानिकारक हो सकती है। इस कारण ये है महत्वपूर्ण है कि औपचारिक क्षेत्र अधिक ऋण देता है ताकि उधारकर्ताओं को साहूकारों द्वारा धोखा ना दिया जाए। और अंततः राष्ट्रीय विकास में योगदान
कर सके। कॉपी करिए। कर लिया बच्चों कॉपी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगले पेज कॉपी करें इसको। लिखिए बच्चों इसको, लिखिए। ये भी है बच्चों, सिर्फ सिरी मत समझ लेना, लिखिए इसको। चलिए अभी लास्ट लाइन है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, आपको सभी को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। पहले इसको उतार लीजिए। यह है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस प्रकार, कह के तरह किस आधार इस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहू कारों से चर्चा करो। अब देखिए, अगर एक कोई छोटा व्यापारी है, उसको ऋण लेना है अपना व्यवसाय खोलने के लिए, और उसे आपका ऋण की जरूरत है, तो मानव को या व्यक्ति को किस आधार पर निश्चित करेगा कि उसको ऋण मिलेगा? बैंक कैसे ऋण देगी और कोई साहूकार है वो कैसे ऋण देगा? आइए उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। आप अगर क्वेश्चन नोट करना चाहें आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें, ध्यान दीजिए। Thank you.
मानव को एक छोटा सा व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। मानव विभिन्न कारकों के आधार पर बैंक या साहूकार से उधार लेना है या नहीं, इसका निर्णय करेगा। सबसे पहले उसके पास या संपत्ति होनी चाहिए जो उसके जो कह रहा है कि उसके पास संपत्ति होनी चाहिए जो उसके ऋण की गारंटी ले सके। क्या कर सके? गारंटी ले सके। अगर उसके पास ऐसी संपत्ति का अभाव है तो बैंकों से ऋण नहीं मिल सकता। अगर संपत्ति का अभाव है तो आप बैंक से ऋण नहीं ले सकते। इस परी दृश्य में इस परिदृश्य में उसे एक साहूकार के पास जाना होगा
भले ही वह उच्च ब्याज दर उच्च ब्याज दर वसूले, क्या करे? भले उच्च ब्याज दर वसूले, दूसरे क्या करे? दूसरे अगर मानव को अनौपचारिक क्षेत्र से उधार लेने के प्रतिबंधों के बारे में पता नहीं है तो वह बैंक ऋण लेने पर विचार नहीं कर सकता है। बैंक एवं साहूकार, बैंक एवं साहूकार ने पर जो समस्या हो सकती है उन्हें ध्यान में रखना होगा और यह ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। लिखो, करो, ऐसे करो, कीजिए इस वाले प्रश्न को। कर लिया बच्चों इसे कॉपी? इसको और कॉपी करिए। तो बच्चों, आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे चैप्टर के, हमने सारे कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग नए चैप्टर से मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।